बोलो भगवान बद्री विशाल की। भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 पर खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों की यात्रा विधिवत रूप से शुरू भी हो गई। कपाट खुलते वक्त बद्रीनाथ धाम को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सादगी के साथ ही कपाट खोले गए। कपाट खोलते वक्त पहले की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कपाट खोलते नजर आए। कुछ क्षण हुए भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकुकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे, और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। आज भगवान बद्री विशाल के जो टाइमिंग थी 4:30, ठीक 4:30 भगवान बद्री विशाल जी की वैदिक मंत्रोच्चारण के कपाट खोल दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जिन 28 लोगों की अनुमति दी गई है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो शासन प्रशासन के जितने भी जैसे निर्देश थे, हमारे गढ़वाल कमिश्नर जी के द्वारा DM साहब के द्वारा जो भी निर्देश, उनका अनुपालन करते हुए 4:30 खोल दिए गए। इस दौरान मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। ठीक 4:30 वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के नेतृत्व में कपाट खोले गए। गर्भगृह में अखंड ज्योति के दर्शन के बाद शीतकाल के दौरान श्री नारायण भगवान को ओढ़ा गया घृत कंबल उतारा गया और भगवान बद्री विशाल का फूलों से श्रृंगार किया गया। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि जिन लोगों को अनुमति थी, उन्हीं की मौजूदगी में कपाट खोले गए। उन्होंने ये भी बताया कि 17 मई तक यात्रा प्रतिबंधित रहेगी, आगे जो भी आदेश आएगा उसका पालन करवाया जाएगा। आज 15 मई को सुबह 4:30 श्री बद्रीनाथ भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं, और लॉकडाउन के दृष्टिगत बहुत ही सीमित संख्या में जो 28 लोग जिनकी परमिशन दी गई थी, उनके द्वारा ही, उनकी मौजूदगी में ही कपाट खोले गए हैं। अभी फिलहाल 17 मई तक जब तक लॉकडाउन है, तब तक तो यात्री यात्रा पे प्रतिबंध है, और आगे जैसा भी दिशा निर्देश रहेंगे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली की वो कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से हमें मिलकर लड़ना होगा और नियमों का पालन करना होगा। आज प्रातः है भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। वही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर लोक गायिका मीना राणा ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कामना की कि भगवान बद्री विशाल विश्व पर खड़े इस कोरोना संकट को जल्द से जल्द दूर करे और लोक कल्याण बना रहे। जय बद्री विशाल। मेरा सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल चुके हैं, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
मैं भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये जो पूरे देश में पूरे संसार में कोरोना नामक वायरस की महामारी से जो संकट आया हुआ है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए ये प्रभु। और विश्वास भी है कि हम लोग पहले जैसे सुखी होंगे और पहले जैसी शांति भी होगी। भले ही बद्रीनाथ धाम के कपाट औपचारिक रूप से खुल चुके हों लेकिन कोरोना वायरस के चलते शुरुआती चरण में यात्रा फीकी ही रहेगी क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कब तक स्थितियां सामान्य हो पाएंगी और कब तक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।